प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल परेड ग्राउंड भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश की अवधारणा के तहत 70,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास एवं लोकार्पण किया, जिसमें खरगोन के 93 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित खरगोन जल प्रदाय योजना का लोकार्पण भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील का शुभारंभ किया एवं उज्जैन के वैदिक घड़ी का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम का जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र एवं नगरीय निकायों में सीधा प्रसारण दिखाया गया, जहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में आम जन उपस्थित थे। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश की अवधारणा के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम में कृषि उपज मंडिया खरगोन में यह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में विधायक बालकृष्ण पाटीदार उपस्थित थे। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती छाया जोशी, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, अन्य अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया गया। इस अवसर पर खरगोन विधानसभा क्षेत्र में 111 करोड़ रुपए के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। बालकृष्ण पाटीदार ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि खरगोन जिला निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहा है। खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही 170 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। कलेक्टर शर्मा ने इस अवसर पर बताया कि विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश की अवधारणा के तहत खरगोन जिले के नगरीय निकायों में विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 350 करोड़ रुपए और 282 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में खरगोन में 93 करोड़ रुपए के जल प्रदाय योजना का भी लोकार्पण किया गया। इस योजना में खरगोन नगर पालिका क्षेत्र के 2 लाख से अधिक आबादी लाभान्वित इससे होने वाली है। देखिए, विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश थीम पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्चुअल कार्यक्रम आज संपादित हुआ है। उसमें पूरे प्रदेश व्यापी कार्यक्रम था, उसमें खरगोन जिले में भी 9 स्थानों पर कार्यक्रम हुआ था। खरगोन मुख्यालय पर एक बृहद कार्यक्रम आज यहाँ संचालित हुआ। हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ के गणमान्य नागरिक और विधायकगण की उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। इस पूरे कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पूरे प्रदेश को 17,000 करोड़ रुपए की नवीन विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, लेकिन खरगोन को भी 125 करोड़ के लगभग के जो है 283 कार्यों का जो है सौगात प्राप्त हुई है। इन कार्यों में कई PWD की सड़कें हैं, नगरीय क्षेत्रों की विकास कार्य हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य हैं, और सबसे बड़ी बात है कि खरगोन जल प्रदाय योजना के 93 करोड़ रुपये का लोकार्पण भी एक प्रकार से इसमें किया गया है। साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह रहा है कि सुशासन की दिशा में आगे बढ़े और किसानों को दिक्कतें ना हो, इसलिए साइबर तहसील का भी सभी तहसीलों में इनॉग्रेशन किया गया है, जिसके तहत किसानों को जो रजिस्ट्रियां होंगी उसका सीधा नामांतरण की प्रक्रिया में वो शामिल हो जाएगी और उसके लिए उनको तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, उसका भी आज शुभारंभ हुआ। थैंक यू सर। ऐसा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।